बुनियाद एक नई सुबह की। तसर सिल्क अपने स्वाभाविक कश्य वर्णी और कड़कपन के लिए देश और दुनिया भर में पहचाना जाता है। तसर उद्योग में कम निवेश, रोजगार के अवसर और विदेशी मुद्रा कमाने की क्षमता की वजह से तसर सिल्क उत्पादन कई राज्यों में ग्रामीण महिलाओं और जनजातियों के बीच जीविका का एक लोकप्रिय साधन है। तसर सिल्क का उत्पादन थाई रीलिंग के माध्यम से और महिलाओं के विशिष्ट कौशल के सहयोग से होता है। रीलिंग तसर कोसा से रेशम निकालने की तकनीक है। यहाँ निपुण महिलाएं हर रोज अपने घर की चार दीवारी में हाथों से अपने शरीर पर कोसे के तंतु को रगड़कर तसर रेशम का उत्पादन करती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और रेशम की उत्पादकता से भी समझौता करना पड़ता है। इसी मुश्किल प्रक्रिया को बदलने और महिलाओं को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय ने बुनियाद रीलिंग मशीन का विकास किया है, जिससे वो कम मेहनत में ज्यादा आय प्राप्त कर सकें। केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान व केंद्रीय रेशम बोर्ड ने इस रीलिंग मशीन को बढ़ावा देने के लिए इसे बाजार और बुनकरों के अनुकूल बनाया है। ये मशीन आसानी से पेडल या सौर ऊर्जा द्वारा भी संचालित हो सकती है। परंपरागत थाई रीलिंग प्रक्रिया से सिर्फ 70 ग्राम रेशम ही उत्पादित हो पाता था। अब बुनियाद मशीन से प्रतिदिन 200 ग्राम रेशम निकल सकेगा। इस मशीन के प्रयोग से रेशम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। पहले रेशम का धागा बहुत मुश्किल से बनती थी, यार ये मशीन आने के बाद बहुत अच्छा बनता है, मोटा महीन जो भी बनाइए तुरंत बन जाएगा, मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता। इतनी मेहनत के बावजूद पहले इन महिलाओं को प्रतिदिन मात्र 125 रुपए की आय होती थी। बुनियाद रीलिंग मशीन से इनकी आय 350 रुपए तक बढ़ जाएगी। सिर्फ 13,000 प्रति यूनिट की कीमत वाली इस मशीन पर भारत सरकार की ओर से 75% सब्सिडी मिल रही है। वस्त्र मंत्रालय की योजना है कि बुनियाद मशीन को बढ़ावा देकर थाई रीलिंग प्रथा को कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया जाए। बुलंद बुनियाद, बुलंद सफलता।